प्रवेश जो अपने चैप्टर चल रहा है आज मैं बता रहा हूँ इसका 14वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो 14वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें दो पार्टनर है पी और क्यू, 3:1 के अनुपात में, और नया पार्टनर आ रहा है आर 1/5 मार्क के लिए। तो इसमें जो शर्तें हैं उसके अनुसार सबसे पहले हम रिवेल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, और इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि निवेशों का बाजार मूल्य 4200 रुपये माना गया, इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है अब 4200 है। तो इसमें पहले इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है वो 6000 था, 6000 था, 4200 है, तो इसमें 1800 रुपये की कमी हो गई। लेकिन इधर लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 1000 रुपये, यानी कि पहले से हमने मान रखा था कि इन्वेस्टमेंट के मूल्य में 1000 की कमी हो सकती है। पहले हमने मान रखा था कि इन्वेस्टमेंट के मूल्य में 1000 की कमी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी कमी हुई है, 1800 रुपये। तो ये 1000 रुपये उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे, फिर भी 800 रुपये की और कमी हो गई है। तो संपत्तियों में यदि कमी होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड। तो इन्वेस्टमेंट के मूल्य में अब कमी है वो कितनी मानी जाएगी, 800 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये जो पहले से हमने फंड बना रखा था उसमें से वो राशि एडजस्ट कर ली है। इसके बाद में दे रखा है उपार्जित ब्याज की राशि 200 रुपये, एक्यूड इंटरेस्ट संपत्ति है और संपत्ति इंक्रीज हो रही है एसेट्स, तो इसको हम दिखा देंगे सीआर साइड में। एक्यूड इंटरेस्ट 200 रुपये। इसके बाद में देखा है कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 200 रुपये अधिक है, बैड डेट्स का जो प्रोविजन है वो 200 रुपये हमने ज्यादा लगा रखा है, 200 रुपये ज्यादा लगा रखा है, इसका मतलब है कम करना है। 200 रुपये अधिक है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज यदि कम होती है तो फायदा होता है, उसको हम कहां दिखाते हैं, सीआर साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 200। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के एक दावे के लिए 1000 रुपये का प्रावधान किया जाए, वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए जो क्लेम किया गया है वो 1000 रुपये का किया गया है, लेकिन हमने पहले से 4000 रुपये का फंड बना रखा था, इसलिए इस मद को हम रिवेल्यूशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फंड हमने ज़्यादा बना रखा था। फिर भी जो फंड का पैसा बच जाएगा उसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में, इसमें पार्टनरशिप अकाउंट में, इसलिए इसको इसमें नहीं दिखाएंगे। आर ख्याति के लिए 10000 रुपये लाएगा, उसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे, यानी कि रिवेल्यूशन अकाउंट की केवल यही मदें हैं। तो देखो इसमें किस साइड का टोटल ज्यादा है, डीआर साइड का, डीआर साइड का आ रहा है 800 रुपये, और सीआर साइड में केवल दो ही मदे हैं, 200 400 रुपये इसमें से कम कर दिया, तो हमारे को क्या हो गया, लॉस कितने का हो गया, 400 रुपये का। इस 400 रुपये की राशि को पी और क्यू दोनों बांट लेंगे, जब दोनों बांटेंगे तो 3:1 के अनुपात में, तो 3:1 के अनुपात में बांटेंगे तो इसका हिस्सा पी का कितना हो जाएगा 300 और क्यू का कितना हो जाएगा 100 रुपये। ये हमने टोटल लगा दिया, ये आ गया आपके 800। ये तो हो गया आपके रिवेल्यूशन अकाउंट। अब हम जो है पार्टनरशिप अकाउंट बनाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट बनाने से पहले हमारे को नया अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नई पूंजी है वो दे रखी है, 50000 रुपये निर्धारित कर रखी है, इस 50000 को नए अनुपात में डिवाइड कर देंगे सभी साझेदारों में। तो देखो नया अनुपात कैसे ज्ञात करें, देखो हम न्यू रेशियो ज्ञात कर रहे हैं, उनका कुल लाभ कितना है 1 में से 1/5 हिस्सा किसको दे दिया, आर को, तो शेष कितना बचा 4/5। अब पी और क्यू किस हिस्से को बांटेंगे, 4/5 को बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, 3:1 के अनुपात में। तो पहले पी का हिस्सा 4/5 का कितना लेगा, ये 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कटेंगे कितना हो गया 3/5, ये तो हो गया पी का। ऐसे ही क्यू का आ जाएगा, 4/5 का क्यू का हिस्सा कितना हो गया 1/4, तो कितना हो गया 1/4, ये क्यू का हो गया, और आर का 1/5 है तो 3/5 पी का है, और ये 1/5 1/5 क्यू का है और 1/5 आर का, तो नया अनुपात है वो कितना हो गया 3:1:1, ये इनका नया अनुपात हो गया। अब 3:1:1 जो नया अनुपात हो गया, इसमें फर्म की कुल नई पूंजी हमने पहले से निश्चित कर रखी है वो कितनी है, 50000, जो 50000 है इस 50000 को हम किस अनुपात में बांट लेंगे, 3:1:1 के अनुपात में, तो 3:1:1 के अनुपात में बांटेंगे, तो पी का हिस्सा है वो कितना हो गया 3/5, तो
कितना हो गया 30,000। 30,000 तो ये बी का हिस्सा हो जाएगा, ऐसे क्यू का आ जाएगा 50,000 का 1/5 कितना हो जाएगा 10,000। ये बी का, ये क्यू का, और ऐसे ही 50,000 का 1/5 10,000, ये किसका हो जाएगा आर का हो जाएगा। यानी कि इनकी तीनों की नई पूंजी है 30,000, 10,000 और 10,000, ये हो गई, क्योंकि इनका नया अनुपात हमने कितना निकाला था 3:1 की। तो हमने नई पूंजी ज्ञात कर ली है और अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। देखो हमने रेवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, रेवोल्यूशन अकाउंट के साथ में हमने नई पूंजी को नए अनुपात में डिवाइड कर दिया। नया अनुपात जो है साझेदारों का 3:1 आया था, और 50,000 रुपये जो फर्म की कुल पूंजी निर्धारित की गई है उसको हमने 3:1 के अनुपात में बांट दिया। अब हम बढ़ाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले दिखाते हैं पूंजी का प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस शीट। तो देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में पी और क्यू की जो पूंजी दे रखी है 16,000 और 14,000, 16,000 और 14,000, ये तो इनकी पूंजी आ गई। और जो नया साझेदार है, हमने इसमें नई पूंजी हमने पहले ज्ञात कर ली 50,000 रुपये जो थी, उसमें आर का जो हिस्सा है वो कितना है 10,000 रुपये। तो नया साझेदार है वो कैपिटल के कितने लेकर आएगा 10,000 रुपये लेकर आएगा। ये तो हमने पूंजी दिखा दी। इससे पहले हमने रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया था और रिवेल्यूशन पर हुआ था लॉस। रिवेल्यूशन का लॉस होता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में। और रिवेल्यूशन का जो लॉस है वो 400 रुपये आया था, 400 रुपये को हमने 3:1 के अनुपात में बांटा था, तो पी का हिस्सा है वो आया था 300 और क्यू का हिस्सा आया था 100 रुपये। ये हमने रिवेल्यूशन का लॉस दिखा दिया। अब देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दे रखी है गुडविल। अगर पहले से एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है तो इसका मतलब है ख्याति खाता खुला हुआ है, और पहले से ख्याति खाता खुला हुआ होता है उसको हमेशा अपलिखित किया जाता है, बंद किया जाता है, यानी कि रिटर्न ऑफ किया जाता है। और पुरानी ख्याति को बंद किया जाता है पुराने साझेदारों के द्वारा पुराने अनुपात में, किस साइड में, डीआर साइड। तो पुरानी ख्याति को हम बंद कर देंगे, जब बंद कर देंगे तो उसको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो पुरानी गुडविल है वो थी इसमें 4,000, और 4,000 को हम किस अनुपात में बांटेंगे 3:1 के अनुपात में। तो इसमें पी का हिस्सा है वो तो कितना आ गया 3,000, और क्यू का हिस्सा है वो कितना आ जाएगा 1,000, 3:1 के अनुपात में बांटेंगे। ये गुडविल हमने बंद कर दी। इसके बाद में देखो लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दे रखा है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इसमें 4,000 रुपये का है और 1,000 रुपये का हमारे को क्लेम करना है। तो 4,000 में से 1,000 का जब हम क्लेम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर भी हमारे पास 3,000 रुपये की राशि बच जाएगी। 3,000 रुपये जो कंपेंसेशन फंड की राशि बच जाएगी इसको पुराने साझेदारों के द्वारा बांट लिया जाएगा पुराने अनुपात में। तो इसका जो हिस्सा है पी का हिस्सा 3/4, इसका हिस्सा है वो कितना हो गया 2250। तो देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का पैसा बांटा जाता है उसको कहां दिखाते हैं, सीआर साइड। 2250 और दूसरे का हिस्सा कितना आ जाएगा 750। ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का पैसा हमने बांट लिया, क्योंकि 4,000 रुपए जो फंड था उसमें 1,000 रुपए का ही क्लेम है, बाकी पैसा साझेदारों ने बांट लिया, यानी कि 3,000 रुपए। इसके बाद में देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कुछ नहीं करना है क्योंकि जो कमी हो गई थी उसमें से हमने एडजस्ट कर लिया है। अब आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है पुराने अनुपात में। तो जनरल रिजर्व इसमें दे रखा है 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए की राशि है इसको भी पुराने साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे 3:1 के अनुपात में। तो इसका 3/4 कितना हो गया 1500 रुपए। 1500 रुपए इसमें पी का हिस्सा जाएगा और 500 रुपए क्यू का हिस्सा जाएगा। ये हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। तो देखो इसमें जनरल रिजर्व बांट लिया है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी बांट लिया है, पहले की ख्याति को हमने अपलिखित कर दिया, रिवेल्यूशन लॉस है वो भी हमने दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनकी समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे। अब समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे तो नई पूंजी हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब समायोजित पूंजी
का कंपैरिजन नई पूंजी से करेंगे। अच्छा, इसमें पूंजी के बारे में क्या दे रखा है, हम समायोजित पूंजी की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसमें एक मद रह गई आपके गुडविल। देखो इसमें नया साझेदार जो है गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है कैश में 10,000 रुपये, और इस गुडविल की राशि को पुराने साझेदार सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, तो इसमें सेक्रीफाइस रेशियो इसमें उतना ही आएगा जितना इनका पुराना अनुपात है। तो इनका पुराना अनुपात कितना था, 3:1, तो 10,000 इसमें गुडविल के जो लेकर आ रहा है उसको 3:1 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। तो 3:1 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो पहले पी का हिस्सा 3/4, ये आ गया आपके 7,500 रुपए पी का गया, तो क्यू का कितना जाएगा 2,500, ये हमने गुडविल दिखा दी। अब हम इनकी समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे। नई पूंजी हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, नई पूंजी है 30,000, 10,000 और 10,000, ये हमने पहले फिक्स कर दिए। तो समायोजित पूंजी के लिए देखो इसमें पी का सी आर साइड का टोटल लगाओ, इसमें तो पी का सी आर साइड का टोटल लगाते हैं इसमें, तो देखो इसमें कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, 27,250। सीआर साइड का टोटल आ रहा है 27,250, और डीआर साइड में देखो ये पी में ये दो ही मदे हैं, ये तो नई पूंजी है 3,300 रुपए, ये 3,300 रुपए लेस कर लो, तेईस हजार नौ सौ पचास। देखो हमने इस पे पी की समायोजित पूंजी जो हमने ज्ञात की थी वो आई थी 23,950, पी की समायोजित पूंजी 23,950 है, और नई पूंजी हमने इसकी कितनी निश्चित की है 30,000, यानी कि इसकी समायोजित पूंजी कम पड़ रही है। तो देखो इसमें कितनी कम पड़ रही है, 30,000 में से 23,950 रुपए लेस कर देंगे तो कितना डिफरेंस आ गया 6,050, तो 6,050 रुपए इसके कम पड़ रहे हैं, लेकिन ये कैश में नहीं लाएगा क्योंकि इसमें दे रखा है कि करंट अकाउंट खोल करके समायोजन किया जाएगा, तो इसलिए इसको करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे जितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसका डिफरेंस आ रहा है 6,050, ठीक, ये आपके इसका पी का जो है वो टोटल लग जाएगा 33,300। अब क्यू का देखो, क्यू का हमने सीआर साइड का टोटल लगाया, तो सीआर साइड का टोटल लगा लो, तो देखो इसमें क्यू का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 17,750, और डीआर साइड में दो ही मद है 1,100, ये 1,100 रुपये हमने लेस कर दिए तो कितने आ गए 16,650, यानी कि इसकी समायोजित पूंजी आ रही है 16,650, लेकिन हमने इसकी नई पूंजी कितनी निश्चित कर दी 10,000, तो इसकी समायोजित पूंजी ज्यादा है तो ये फर्म से पैसा निकालेगा लेकिन कैश में नहीं निकालेगा बल्कि उसको करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, तो इसको करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 10,000 इसमें से लेस कर दो नई पूंजी जो है, तो डिफरेंस आ रहा है 6,650, तो करंट अकाउंट का बैलेंस 6,650 आ जाएगा। अब हमने टोटल लगा लिया इसका, और आर का जो टोटल है आपके 10,000 है ही, इस साइड का टोटल भी आपके 10,000, ये आपके पार्टनरशिप अकाउंट बढ़ गया। तो पार्टनरशिप अकाउंट से हमने क्या है नई पूंजी ज्ञात करने के साथ साथ इनका डिफरेंस जो आया था नई पूंजी से, हमने जो कंपेरिजन किया समायोजित पूंजी से, उसमें डिफरेंस जो आया उसको हमने करंट अकाउंट के नाम से दिखा दिया। ये जो इधर करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस कहलाता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, और इसमें करंट अकाउंट का इधर जो बैलेंस आया ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसमें टोटल किस साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का। तो डेबिट बैलेंस है उसको हम दिखाएंगे एसेट्स पक्ष में, और जो क्रेडिट बैलेंस है उसको दिखाएंगे लायबिलिटीज पक्ष में। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हमारे को पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखना पड़ेगा। पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में देखो, एसेट्स पक्ष में सबसे पहली मद दे रखी है कैश,
पहले का कैश इसमें 4000 दे रखा है, 4000 रुपये का कैश पहले से था, 10000 रुपये ये गुडविल के लेकर आया और 10000 रुपये पूंजी के लेकर आया। इसके अलावा न तो कोई कैश आया है न कोई कैश गया है। तो 20000 रुपये तो ये कैश लेकर आया, 4000 पहले का, तो कितना हो गया 24000। तो कैश बैलेंस हो गया 24000। इसके बाद में दूसरी मद है डेटर्स। डेटर्स इसमें जो पहले 16000 थे, बेटर्स का प्रोविजन पहले 500 रुपए था लेकिन उसमें 200 रुपए कम हो गए, तो बेटर्स प्रोविजन के नाम से इसमें कितना पैसा लेस किया जाएगा, 300 रुपए, क्योंकि 500 में से हमने 300 रुपए कम कर दिए, तो ये हो गया आपके 15700 रुपए। डेटर्स के बाद में फिर देखा आपके स्टॉक। स्टॉक का मूल्य इसमें 18500 रुपए था और स्टॉक के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको 18500 रुपए पर ऐसे कैसे दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में दे रखा है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बारे में दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट का जो नया मूल्य है 4200 रुपए है, तो ये 4200 रुपए निकालेंगे। गुडविल जो दे रखी थी पुरानी उसको हमने बंद कर दिया था इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसमें करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया था, इसमें करंट अकाउंट का बीका है वो 6050 रुपए बैलेंस आया था, उसको हम कहां दिखाएंगे, एसेट्स पक्ष में। करंट अकाउंट, तो बी का करंट अकाउंट है ये है आपके 6050। इसके अलावा इसमें एक मद और थी, उपार्जित ब्याज 200 रुपए। एक्रूड इंटरेस्ट 200 रुपए। इसके अलावा अब इसमें और कोई मद नहीं है। अब लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे पहले इसमें 11000। क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए इसको 11000 रुपए पर ही दिखा देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन जो फंड था उसमें 1000 रुपए का क्लेम था, 3000 रुपए बांट लिया था, तो वर्कमैन कंपेंसेशन जो फंड है वो हम दिखा देंगे इसमें 1000 रुपए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा नहीं क्योंकि हमने उसका समायोजन कर लिया। जनरल रिजर्व है उसको भी साझेदारों के द्वारा बांट लिया गया था। अब करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आपके क्यू का जो बैलेंस है ये आया था 6650 रुपए। अब इसके बाद में आ जाएगी कैपिटल, पी क्यू और आर। 30000 पी की है, 10000 रुपए क्यू की है और 10000 रुपए आर की है, तो टोटल हो गए आपके 50000। अब हम इसका टोटल लगा लें, तो टोटल लगा लो आपके, देखो कितना आ रहा है 650, 68650। अब ऐसे ही इसका टोटल लगा लो आपके एसेट्स पक्ष का, आपके बैलेंस शीट बन गई। तो हमने इससे पहले पार्टनरशिप अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट हमने बना ली और करंट अकाउंट का बैलेंस हमने दिखा दिया। तो ये था हमारा 14वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये 14वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये हमने कर लिया है। तो अपने करीब करीब हर पैटर्न के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और जितने हम पहले कर चुके हैं उनको फिर से आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद में हम अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो इसका जो आगे वाला जो चैप्टर है वो करेंगे, इसमें साझेदार की सेवा निवृत्ति या प्रतिवृत्ति।